हमारा जम्मू कश्मीर जो है बहुत दुखी है, परेशान है, और एक दुखद समाचार ने पूरे जम्मू क्षेत्र को निराश कर दिया है और शोक ग्रस्त कर दिया है। आज सुबह से ही हमें ये खबर जब से मिली है कि हमारे एक साबका फॉरवर्ड एमएलसी सरदार टीएस वजीर साहब, जो एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे नेता थे, अच्छे सिख मजहब के नेता थे और ट्रांसपोर्टरों के नेता थे, आज उनका देहांत हो गया और उनका शायद अलग अलग बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद उनकी हत्या की गई है। तो हम वाहेगुरु अल्लाह भगवान से यह दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और साथ में हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करेंगे, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर जनाब दिलबाग सिंह जी से ये गुजारिश करेंगे कि इस सारे हत्याकांड की सीबीआई द्वारा इंक्वायरी करवाई जाए कि इसके पीछे कौन है, उनकी हत्या कैसे हो गई। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, लोगों से प्यार थे और एक बहुत प्यारे इंसान थे, और मेरे जातिगत तौर के ऊपर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हम दोनों को कई बार जम्मू क्षेत्र व्यापारियों की, ट्रांसपोर्टरों की, और कई मंचों के ऊपर हमने जम्मू के बेटरमेंट के लिए हम दोनों ने बहुत संघर्ष किए हुए हैं। तो आज ये दुखद समाचार से हमारा पूरा जम्मू कश्मीर रियासत जो है यूनियन टेरिटरी, ये बेहद परेशान है, और उन्होंने जम्मू की आवाज के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए, सिख धर्म के लिए, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नेता भी थे, आज एक भारी नुकसान जम्मू कश्मीर को और विशेष तौर के ऊपर जम्मू को और समाज ने एक अच्छा नेता, व्यक्ति और एक बहुत प्यारा इंसान गवा दिया।